Good afternoon, students. Today I will teach you pronoun. What is pronoun? You would have read in your earlier classes noun and pronoun. आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लासेस में नाउन या प्रोनाउन पढ़ी होंगी, है ना? So today I will teach you noun. What is noun? Noun is a word which is used in place of pronoun is a word which is used in place of noun. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, है ना? एग्जाम्पल, अंशिका इज माई क्लासमेट, शी लिव्स इन दिल्ली, है ना? अंशिका इज अ नाउन, ठीक है? अंशिका क्या है? नाउन है, बिकॉज नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, है ना? अंशिका इज माई क्लासमेट, She lives in Delhi. यहाँ पर हमने अंशिका की जगह क्या यूज किया? She used. So she is a pronoun. Next example. Amit is a doctor. He was in a hospital. Amit is a noun because this is the name of a verb. So we use here. That is pronoun. He and she are the pronouns. Okay? ऐसे ही we, I, you, they, it, all these are pronoun. Now the kinds of pronoun. First kind of pronoun is personal pronoun. Personal pronoun because these are used for persons. Okay? So these are called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन भी फिर से थ्री टाइप्स के होते हैं, है ना? फर्स्ट पर्सन, मैंने आप लोगों को क्लास 5 की इंग्लिश में बताया था ग्यारह में ही कि जो हमारे सब्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन, है ना? ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन, ओके? तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी, ओके? मी माइन अवर्स एंड अस. These are the first person. I is the subjective pronoun and we is also the subjective pronoun. I or we can have subjective pronoun. Me, mine is the object of I, respectively. Okay? Me or mine can have I ka object. जैसे हम use करते हैं, give this book to me. यहाँ पर मैंने मुझे के लिए क्या यूज किया? मी. और दिस इज माई बुक, है ना? तो ये मी माइन मी माए ये जो हो गए क्या हो गए? आई का ऑब्जेक्ट. दीज आर द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. एंड अस दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ वी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ वी. वी इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई एंड वी इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. एंड Me, mine, my, ours, and us are the objective pronoun. ये क्या है? Objective pronoun. एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसे आप लोगों ने cow कैसे में यूज किया है, ना? Cow gives us milk, है ना? तो उसमें क्या है? Us. Us किसके लिए यूज हुआ है? हम सबके. Second person, you and yours. सेकेंड पर्सन जो है वो उसमें एक ही प्रोनाउन आता है, यू. एंड ऑब्जेक्ट है यू का योर्स, ओके? यू इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड योर्स इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर, यू इज यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल प्रोनाउन. यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन में भी यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउन में भी यूज होता है. यहाँ पर आई जो है वो क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन. और वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन. वी मींस मोर देन वन, है ना? बहुत सारे. नेक्स्ट थर्ड पर्सन.
हाउस इज इन द एनी जैसे है ना ओके हर हम किसके लिए यूज करेंगे शी शी का ऑब्जेक्ट क्या है हर इज ऑब्जेक्ट ऑफ शी नेक्स्ट इट इट का ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे इट्स ओके इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स इट जो है वो मेनली एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है दे आर द प्लूरल प्रोनाउन है ना ही शी वो ही शी इट इज द आर द सिंगुलर प्रोनाउन्स एंड दे आर द प्लूरल प्रोनाउन अगर बहुत सारे पर्संस हैं तो हम क्या यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट है ना जैसे दे आर प्लेइंग चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन तो चिल्ड्रन क्या हो गया नाउन हो गया है ना तो अगर हमें इसको प्रोनाउन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे बनाएंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग subjective pronoun children are playing children are the noun and they is the subjective pronoun children are playing they are yahan pe humne children ki jagah kya use kiya they okay is means in the same way they ka jo object hai wo kya hai they are said them they are said them to have wo they ka object as a object use next Demonstrative pronoun.
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस इज अ सिंगुलर और ये इट इज यूज्ड फॉर नियर बाय थिंग्स विच आर नियर टू अस। जो चीज हमारे पास होती है एज अ सिंगुलर, दिस इज यूज्ड एज अ फॉर द सिंगुलर थिंग्स विच इज नियर टू अस। दिस इज माय हाउस, हाउस इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन। ओके, सो वी यूज दिस फॉर द सिंगुलर नाउन। दैट इज योर बुक। ओके, इन अपोजिट वे दैट इज यूज्ड टू दोज थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस। जो चीज हमसे सिंगुलर नाउन है ना, द सिंगुलर नाउन विच इज फार अवे फ्रॉम अस, सो वी यूज दैट फॉर दैट। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। जो चीज हमसे दूर होती है उस और सिंगुलर है वो, इफ इट इज सिंगुलर नाउन देन वी यूज दैट। ओके, इन द सेम वे ये तो हो गया सिंगुलर दोनों, सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना, क्योंकि ये सिंगल के लिए यूज हुए। देख रहे हैं आप लोग, हाउस इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, एंड बुक इज ऑल्सो अ सिंगुलर। इन द सेम वे वी यूज प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मोर देन वन नाउन के लिए या प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं। दिस की जगह पे क्या यूज करेंगे हम? दिस, इफ द नाउन आर प्लूरल, अगर बहुत सारे नाउन है मोर देन वन इन नंबर देन वी यूज दिस। ओके, दिस चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, चिल्ड्रन क्या है प्लूरल नाउन हो गया, सो वी यूज दिस। एंड this is used or these is used for nearby, nearby noun, जो चीज हमारे पास है ना, so we have in the plural noun, अब वो plural है, plural noun which is near to us, then we use these, जो plural noun हमारे पास है उसके लिए हम these use करेंगे। in the opposite way और एक कॉन्स्टेंट एंड नॉन जीरो।
मैंने साइन ऑफ इंट्रोडक्शन या मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन यूज किया. Whom are you calling? Whom means किसको, है ना? तुमने किसको, तुम किसको बुला रहे हो, है ना? Who is there on the roof? Okay? Who is an interrogative pronoun? Whom is an interrogative pronoun? Which is your pen? है ना? अब मीन समझ में आया होगा आपको लोगों को. Which is your pen? है ना? Which is an interrogative pronoun? And where do you live? बहुत कॉमन सा सेंटेंस है. मोस्टली जब कन्वर्सेशन में हम करते हैं तो हम आपसे छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हैं where do you live, है ना? तो ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आप लोग बुक में और अच्छे से सब पढ़िए, ओके? और मैं आपसे जब लाइव क्लास होगी नेक्स्ट टाइम या कल, तो मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुल, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, है ना? तो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया देन यू कैन आस्क इन द लाइव क्लास, और आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं. अगर बुक में भी रीडिंग कीजिए आप लोग, वीडियो देखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम